चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ एन टर्न्स बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2L कैरिंग करंट आई। सबसे पहले ये देखो कि आपको एक स्क्वायर बनाना है, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है जिसमें एन टर्न्स हैं और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओगे, ये स्क्वायर आपने बना लिया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम लोग, स्क्वायर साइज में थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, फिगर क्लियर हो जाएगा। ये सेंटर है O, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की, ठीक है, आई एम्पियर की, ये डायरेक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं करंट की, ये डायरेक्शन है करंट की, वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आई, देखो यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो और लेंथ कितनी है स्क्वायर की, स्क्वायर की लेंथ है 2L, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस होगी L, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड इस वायर, पहले वायर की वजह से अगर मान लिया जाए, पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस O पॉइंट पे किधर होगी, इनवर्ड होगी, और इस वायर की वजह से भी इनवर्ड, इस वायर की वजह से भी इनवर्ड, और इस वायर की वजह से भी इनवर्ड, तो चारों वायर की वजह से इनवर्ड ही हो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसमें फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट पता चल जाएगा हमको, क्योंकि सभी की डायरेक्शन एक ही है तो सभी जुड़ेंगे। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको यहाँ से बेंड करा दूँ, ऐसे मीट करा दूँ, तो क्या होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये एंगल होगा 45 डिग्री। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर जिसमें करंट आई एम्पियर की फ्लो कर रही है, उसे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो एंगल अगर ये अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45, तो इस लॉजिक से साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर मैं सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, जैसे मान लो इस सिंगल वायर की वजह से, मान लेते ये ए, ये बी, सी और डी, ए बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैं निकाल रहा हूं ओ पॉइंट पे ड्यू टू अ सिंगल वायर, ठीक है, सिंगल ए बी वायर की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू और साइन बीटा की वैल्यू 1/√2 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आई एक सिंगल वायर की वजह से। और अगर चारों वायर की वजह से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरी वैल्यू में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल वायर। एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा, चलो आ गया, ठीक है। तो 4 into μ0I into 2 upon 4πr, r की जगह यहां पर होना चाहिए l, ये डिस्टेंस l है, जैसे यहां पर r था ना, ये डिस्टेंस r था, यहां पर क्या होगा l होगा, ठीक है, कॉल आ रही है, चलो ठीक है देख लेते हैं, ठीक है l होगा। तो मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर सकता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, r की जगह मैं l कर देता हूं, तो यहां भी l हो जाएगा और 2/√2 ये होगा, ठीक है। तो 4 से ये 4 कट गया, अच्छा ये चीज 2/√2 क्या होगा, 2/√2 अगर रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर रूट टू आएगा, तो रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू एल, तो ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना आया, सिंगल वायर, एक ही पूरा वायर है, टर्न्स 1 है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू होगी, लेकिन कितने टर्न्स हैं, टोटल एन टर्न्स हैं, तो क्या हो जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एन इंटू रूट टू इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पाई इंटू एल। अब ये देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, रूट टू ऊपर आ रहा है कहीं, यहाँ आ रहा है, यहाँ तीनों जगह आ रहा है, और रूट टू के साथ एन आ रहा है, एन ऊपर आ रहा है, हाँ तीनों जगह आ रहा है, म्यूनोट नहीं, तो ए बी सी तीनों में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर देखो पाई एल कहीं है, पाई एल यहाँ पर है, ये वाला पहला ही ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,